नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो है द ब्रांड न्यू रेनॉल्ट काइगर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टाइगर नहीं, काइगर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आप जानने वाले हैं उस व्हीकल के एक्सटीरियर लुक्स के बारे में, इंटीरियर लुक्स किस तरह होते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, क्या क्या टेक की चीजें रिलेटेड है, माइलेज कितना देता है, ये सब कुछ जो है एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू जो है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हूँ आपका प्रणय और आप देख रहे हैं पीआर टेक। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ यानी पीआर टेक के साथ। तो दोस्तों ये रहे व्हीकल के कीस, मेरे हाथ में है, काफ़ी यूनिक है ना, इसको जो है रेनॉल्ट स्मार्ट कार के नाम से बुलाता है दोस्तों, यही व्हीकल के कीस है। एंड ये रहा द ब्रांड न्यू रेनॉल्ट काइगर टर्बो वेरिएंट, आरएक्सजेड वेरिएंट आप देख रहे हो दोस्तों, टॉप एंड वेरिएंट है। एंड इस व्हीकल का एक्शोरूम प्राइस डिटेल्स जो है यहाँ पर हम नीचे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, बाकी वेरिएंट के डिटेल्स भी यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। कलर वेरिएंट के बारे में बात करेंगे तो ये कैप्सियन ब्लू वेरिएंट आप देख रहे हो, और 5 कलर्स भी आपको अवेलेबल है जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। तो ये रहा शॉर्ट इंट्रोडक्शन वेरिएंट के बारे में। फ्रंट प्रोफाइल को एक्सप्लोर करेंगे तो सेंटर में आपको काफ़ी बढ़िया सा रेनॉल्ट का लोगो आपको बड़ा साइज में आपको दिखेगा, यही आई कैची लुक है। एंड क्रोम फिनिश के साथ आपको ग्रिल भी आपको एकदम बढ़िया सा लुक आपको मिलता है, एकदम अग्रेसिव लुक यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर साइड में देखेंगे तो DRLs ऊपर आपको मिलते हैं, मेन हेडलाइट यूनिट सेंटर में आपको मिलता है, वो आगे वीडियो में मैं आपको डिटेली दिखाऊंगा। एंड सेंटर में एक्सप्लोर करेंगे तो नंबर प्लेट का सेक्शन यहाँ पर आपको मिलता है, नीचे स्किड प्लेट यहाँ पर आप देख सकते हो, कंप्लीटली नीचे आपको 205mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस व्हीकल में मिलता है। थोड़े बहुत उबड़ दबड़ रास्ते में भी मैनेज कर सकते हो दोस्तों, मतलब ऑफ रोडिंग भी मैनेज कर सकते हो। ऊपर बॉनेट के ऊपर देखेंगे तो ये कटआउट्स जो है एकदम बढ़िया सा अग्रेसिव लुक यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। वाइडर विंड स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलता है, ये व्हीकल ड्यूअल टोन व्हीकल है, इस वजह से आपको ब्लैक रूफ यहाँ पर आपको मिल रहा है दोस्तों। साइड्स में आपको सिल्वर फिनिश के साथ रूफ रेल्स आपको मिलते हैं। तो ये रहा कंप्लीटली फ्रंट प्रोफाइल लुक के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इस व्हीकल के लाइट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप DRLs आप देख सकते हो, एंड नीचे उसके ही नीचे डायरेक्टली इंडिकेटर यहाँ पर आपको सेक्शन मिलता है। एंड इस व्हीकल का लाइट्स जो है एकदम आई कैची लुक है दोस्तों। इस व्हीकल के लाइट्स को जो है ट्राई ऑक्टा LED प्योर विजन हेडलाइट्स कहता है दोस्तों रेनॉल्ट जो है, काफी कमाल का हाई बीम आपको मिलता है दोस्तों। दो बीम्स जो है रेगुलर मोड में है, हाई बीम डालेंगे तो 3 लाइट्स आपको मिलते हैं, दोनों साइड्स को मिलकर के टोटल 6 लाइट्स का LED सिस्टम आपको इस व्हीकल में मिलता है दोस्तों। नाइट विजन में जो है एकदम बढ़िया सा फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलता है, ब्राइटनेस भी एकदम बढ़िया है। उसी के साथ टेल लाइट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सिग्नेचर LED सी शेप के टेल लाइट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों, कंप्लीटली LED लाइटिंग सिस्टम है। ऊपर भी आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आपको मिलता है, एंड उसके ऊपर भी शार्क फिन एंटीना भी आपको मिलता है दोस्तों। तो ये रहा बैक प्रोफाइल के लुक के बारे में। ओवरऑल इस व्हीकल का लाइटिंग सिस्टम जो है एकदम बढ़िया है, दिखने में भी अट्रैक्टिव है, परफॉर्मेंस में भी एकदम बढ़िया है। तो उसी के साथ अब बात करते हैं इस व्हीकल के टायर्स के बारे में। इस व्हीकल में आपको 16 इंचेस ट्यूबलेस टायर्स विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे तो सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, बैक की तरफ आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। एंड उसी के साथ ये व्हील क्लैडिंग भी एकदम बढ़िया है दोस्तों, साइड में भी प्रोटेक्टिव गार्ड यहाँ पर आपको मिलता है, एकदम अग्रेशन लुक भी प्रोवाइड करता है दोस्तों। एंड इस व्हीकल का व्हील बेस जो है 2500mm का व्हील बेस यहाँ पर आपको इस व्हीकल में मिलता है। सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो मैक पर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सामने की तरफ, टॉर्जन बीम एक्सेल सस्पेंशन जो है बैक की तरफ आपको मिलता है। तो ये रहा टायर्स, ब्रेक्स एंड सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन जो है एकदम बढ़िया है, आपको जो है काफी बढ़िया सा कंफर्ट मिलता है। एंड उसी के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड ORVMs आपको मिलते हैं इंडिकेटर फंक्शन के साथ, वो भी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलते हैं जो रूफ के साथ मैच करते हैं। एंड डोर हैंडल्स जो है बॉडी कलर के डोर हैंडल्स आपको इस व्हीकल में मिलते हैं। एंड ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, इस वजह से आपको जो है रेनॉल्ट काइगर का ब्रांडिंग आपको मिलता है, वरना नहीं मिलता है दोस्तों रेगुलर वेरिएंट्स में। उसी के साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो ये पेट्रोल व्हीकल है, आपको जो है 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलता है। एवरेज माइलेज जो है 20.53 km/L का एवरेज माइलेज यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। तो ये रहा फ्यूल इकोनॉमी के बारे में भी। एंड साइड प्रोफाइल का लोअर पोर्शन जो है बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं अपर पोर्शन के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एरोडायनेमिक डिजाइन जो है दिखने में भी अट्रैक्टिव है, एंड काफी अग्रेसिव लुक भी आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। ऊपर देखेंगे तो रूफ कलर जो है ब्लैक कलर है, शार्क फिन एंटीना, एंड ये स्पॉइलर भी एकदम स्टाइलिश लुक यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, विंग्स की जैसा आपको मिलता है, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, एकदम अट्रैक्टिव है एंड एकदम स्पोर्टियर भी है। एंड उसी के साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको अवेलेबल है, एंड उसी के साथ रेयर वॉश वाइपर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए थोड़ा बहुत नीचे आके बैक प्रोफाइल का सेंटर सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जो है कंप्लीटली क्रोम फिनिश के साथ आपको गार्निश किया गया है, एंड काफी सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स भी है दोस्तों। जैसे कि सेंटर को आप नोटिस करेंगे तो रेनॉल्ट का लोगो जो है क्रोम फिनिश के साथ मिलता है, उसके अंदर बैक कैमरा आपको मिलता है
मिलता है दोस्तों। नीचे काइगर का ब्रांडिंग देख सकते हैं, राइट साइड में टर्बो का ब्रांडिंग, लेफ्ट साइड में आपको रेनॉल्ट कंपनी का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलता है। ये रहा सेंटर सेक्शन के बारे में। नीचे आएंगे तो रेयर बंपर आपको मिलता है, वहाँ पर आपको नंबर प्लेट का सेक्शन मिलता है। यहाँ पर जो कैमरा होता है ना, वो जो है रेनॉल्ट लोगो के सेंटर में आपको मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। एंड इसके साथ रेयर स्किप प्लेट यहाँ पर आपको मिलता है, एग्जॉस्ट टेल पाइप लुक आप देख सकते हो, रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो इस तरह का कंप्लीटली बैक प्रोफाइल का लुक आपको मिलता है। तो उसी के साथ बूट को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये रहा, बूट पैनल ओपन हो चुका है। एंड इस व्हीकल में कंप्लीटली 405 लीटर्स का बूट कैपेसिटी आपको मिलता है। एक ही कमी है, ये डिप जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊंचा है दोस्तों, अगर हेवी लगे जाए तो यहाँ पर रखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मगर स्पेस जो है अल्टीमेट है दोस्तों। साइज में आपको हुक्स भी आपको मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया सा 405 लीटर्स का स्पेस आपको मिलता है। एंड इस पैनल के नीचे स्पेयर व्हील भी आपको अवेलेबल है, एंड उसी के साथ टूल्स एंड एक्सेसरीज भी यहाँ पर ही स्टोर कर सकते हो। काफ़ी कमाल का स्पेस है दोस्तों। एंड उसके ऊपर ही आपको जो है पार्सल ट्रे का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। तो ये रहा कंप्लीटली बूट के बारे में। तो ये रहा रेनॉल्ट काइगर का बूट स्पेस के बारे में, 405 लीटर का बूट स्पेस आपको इस व्हीकल में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस व्हीकल का इंटीरियर लुक एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले इस व्हीकल का वेरिएंट डिटेल जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो है मिरर के नीचे इस व्हीकल का वेरिएंट का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों, रेयर पैसेंजर डोर को ओपन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। डोर का लुक जो है इस तरह आपको देखने को मिलता है। नीचे स्पीकर ग्रिल यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ पर आपको मिलता है साइड में। एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको डोर हैंडल एंड पावर विंडो का की, एंड ये फिनिशिंग जो है सिल्वर कलर के फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिलता है, ये एकदम बढ़िया है। एंड उसी के साथ ट्विटर का लुक आप देख सकते हो। टोटल 4 स्पीकर्स 4 ट्विटर्स का म्यूजिक सिस्टम आपको इस व्हीकल में अवेलेबल है। एंड इस व्हीकल का सीटिंग जो है एकदम काफ़ी स्पेशियस है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कटआउट जो है एकदम बढ़िया है। एंड सेंटर में AC वेंट्स आपको मिलते हैं, नीचे 12 वॉट्स का चार्जिंग सॉकेट आपको अवेलेबल है। एंड दोस्तों, इस व्हीकल के सीट्स के बीच में आपको नी रूम जो है 222 mm का नी रूम आपको मिलता है, एकदम स्पेशियस व्हीकल है। एंड ये सीट्स का कटआउट जो है मेरे को स्पॉयलर का ऑपोजिट वर्जन जैसा दिख रहा है, तो इस तरह ऑपोजिट लगेंगे तो ये सीट्स का कटआउट जैसा मेरे को दिख रहा है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया सा स्पेशियस व्हीकल है। सेंटर में आर्मरेस्ट भी आपका अवेलेबल है दोस्तों, 3 लोग जो है आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा अडल्ट हो तो थोड़ा बहुत टाइट होता है दोस्तों। 2 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, एडजस्टेबल है। एंड यहाँ पर आपको कप होल्डर्स एंड उसी के साथ फोन होल्डर भी आपको मिलता है, जैसे कि इस तरह आप जो है फोन को प्लेस कर सकते हो। तो इस तरह का लुक है। एंड पैटर्न भी एकदम बढ़िया है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है दोस्तों, आरामदायक सीटिंग आपको इस व्हीकल में मिलता है। आपको पॉकेट्स भी आपको मिलते हैं। टोटल 29 लीटर्स का यूटिलिटी स्पेसेस आपको इस व्हीकल में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर के फीचर्स के बारे में। तो चलिए डोर को ओपन करते हैं। तो डोर का लुक किस तरह आपको मिलता है, सेम सिमिलर है दोस्तों। नीचे स्पीकर ग्रिल, वाटर बॉटल होल्डर और भी कुछ स्पेस मिलता है। व्हीकल के सारे पावर विंडो के कीस यहाँ पर आपको मिलते हैं। फिनिशिंग भी एकदम बढ़िया है। एंड कैबिन का लुक जो है आउटसाइड की तरफ से इस तरह आपको मिलता है। एडजस्ट करने के लिए, सीट को एडजस्ट करने के लिए लीवर यहाँ पर आपको मिलता है। फ्यूल लोड ओपन करने के लिए लीवर। एंड कीलेस एंट्री है दोस्तों इस व्हीकल में। नीचे आपको हेडलाइट एडजस्टर आपको मिलता है, पेडल्स भी आपका अवेलेबल है। तो ये रहा आउटसाइड कैबिन के लुक के बारे में। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो ये रहे व्हीकल के कीस मेरे हाथ में है। तो चलिए इंजन को ऑन करते हैं, उससे पहले स्टीयरिंग को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा 3 स्पोक का इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। सेंटर में आपको रेनॉल्ट का लोगो क्रोम फिनिश के साथ, एयरबैग कंस्ट्रक्शन। लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, राइट साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। साइड लीवर्स जो है हेडलाइट कंट्रोल्स के, एंड आपको जो है वाइपर कंट्रोल्स के लीवर्स आपको मिलते हैं। एंड इस व्हीकल में आपको 2 डिस्प्लेस आपको मिलते हैं। ऑन करते समय काफी बढ़िया सा एनिमेशन आपको मिलता है, जो आप देख सकते हो। आपको सारे व्हीकल के ऑक्शन साइंस भी ऑन हो चुके हैं। एंड डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी एनिमेशन दिखता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं 7 इंचेस का मल्टी स्क्रीन ड्राइव मोड क्लस्टर के बारे में। आपको राइट साइड में फ्यूल इंडिकेटर, लेफ्ट साइड में इंजन टेम्परेचर, एंड इसमें जो है ड्यूअल ट्रिप मीटर, फ्यूल टू एम्प्टी टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एवरेज माइलेज कितना चल रहा है, स्पीडोमीटर, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं दोस्तों। ओडोमीटर, ये सब कुछ मिलता है। एंड मोड्स के अनुसार ये जो है कंप्लीटली डिस्प्ले को चेंज करता है दोस्तों। ये रहा मोड टॉगल, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये नॉर्मल मोड है। अब जो आप देख रहे हो ये इको मोड आप देख रहे हो दोस्तों। एंड एक और बार घुमाएंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगा। तो इस तरह का अग्रेशन जो है इंजन चेंज करता है दोस्तों, स्पोर्ट, इको एंड नॉर्मल मोड्स में। तो ये रहा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो ये रहा 3 स्पोक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। एंड अब बात करते हैं सेंटर कंसोल के बारे में। यहाँ पर जो है 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है दोस्तों। फ्लोटिंग टच स्क्रीन डिस्प्ले कहता है दोस्तों। इसमें जो है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, USB ऑक्स, ये सब कुछ फीचर्स आपको अवेलेबल है। सारे व्हीकल के जो है इजीली आप
एक्सेस कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह का लुक है एंड आपको जो है फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी भी आपको मिलता है, रेडियो, FM, स्मार्टफोन, नेविगेशन, ये सारे फीचर्स आपको इसमें वहीकल में मिलते हैं एंड इको मोड को जो है यहाँ पर आप जो है मॉनिटर कर सकते हो। तो ये रहा इस व्हीकल का कंप्लीटली इंफोटेन सिस्टम के बारे में एंड इस व्हीकल में आपको 4 स्पीकर्स 4 ट्वीटर्स का म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है, 3D साउंड आर्कमिक साउंड सिस्टम के साथ ये व्हीकल जो है अवेलेबल है। नीचे आपको जो है 2 AC vents आपको मिलते हैं एंड उसके नीचे आपको जो है हैजर्ड लाइट का स्विच आपको मिलता है। ये सारे जो है कॉकपिट जैसा आपको बटन्स मिलते हैं दोस्तों, एकदम बढ़िया है। ऊपर आप लाइट भी आप नोटिस कर सकते हो, जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको बार में लाइट भी आपको मिलता है। तो इस तरह का लुक है एंड नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC सिस्टम आपको मिलता है। ये मोड्स है दोस्तों, पैर को लगना चाहिए कि फेस में लगना है, ये मोड्स है एंड सेंटर में जो है टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो आप जो है। कूलिंग तो एकदम बढ़िया है दोस्तों एंड फैन स्पीड को जो है साइड से आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। टोटल 3 टॉगल्स है दोस्तों एंड सारे आपको जो है कॉकपिट बटन्स जैसा आपको दिखते हैं, यहाँ पर आपको ये मज़ा आता है दोस्तों यूज़ करने में जो है। एंड इसके नीचे आपको जो है फ़ोन होल्डर यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है फ़ोन को प्लेस कर सकते हो। नीचे USB पोर्ट आपको मिलता है एंड उसके साथ इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑप्शन आपको मिलता है एंड ये अगर आप जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे तो क्रूज कंट्रोल का बटन भी आपको अवेलेबल है एंड ये रहा 5 स्पीड का मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, गियर नॉब एंड ये लाइट जो है रात को समय हैंडल बार्स में लाइट प्रोवाइड करता है दोस्तों इस तरह का। तो ये बटन इसके लिए है दोस्तों, अगर ऑफ किया तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह का बटन है, ये गियर ड्राइव मोड बटन है एंड उसी के साथ सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की जैसा आपको मिलता है दोस्तों उतना ज़्यादा स्पेस मिलता है। आर्मरेस्ट को नीचे ओपन करेंगे तो कंप्लीटली सेंटर में जो है ज़्यादा स्पेस मिलता है एंड ये रहा मैनुअल हैंड ब्रेक एंड उसी के साथ इस व्हीकल में आपको 2 ग्लो बॉक्सेस आपको मिलते हैं दोस्तों, एक जो है नॉर्मल वन है, ऊपर आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर कैपेसिटी आपको मिलता है, नीचे आपको जो है कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको मिलता है, वो भी कंपार्टमेंट्स के साथ आप देख सकते हो। तो ये रहा कंप्लीटली डैशबोर्ड के लुक के बारे में। ऊपर आपको ड्यूअल रियर व्यू मिरर मिलता है, आपको जो है रीडिंग लाइट आप देख सकते हो, सन शेल्टर्स के नीचे वेनिटी मिरर विद एयर बैग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये रहा वेनिटी मिरर आपको दोनों तरफ मिलता है। ये माइक है दोस्तों, फोन के साथ कनेक्टिविटी करके कॉल्स पे बात करना चाहते हो तो वो माइक है। सेंटर में भी आपको एक रीडिंग लाइट आपको अवेलेबल है। तो ये रहा कंप्लीटली इंटीरियर कैबिन के लुक के बारे में। अब बात करते हैं इस व्हीकल के पावर हाउस इंजन स्पेक्स के बारे में। ये 1.0 लीटर टर्बो व्हीकल है दोस्तों। इस व्हीकल में आपको 999 cc का इंजन डिस्प्लेसमेंट है, 3 सिलेंडर का इंजन है दोस्तों, 100 PS पावर आपको मिलता है, 160 Nm टॉर्क जनरेट कर सकते हो, 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन वेरिएंट है दोस्तों, आपको जो है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको इस व्हीकल में फ्यूल सिस्टम आपको मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के साथ आता है दोस्तों, काफी बढ़िया सा माइलेज भी आपको प्रोवाइड करता है, 40 लीटर का फ्यूल टैंक है, आपको जो है 20.5 का माइलेज यहाँ पर आपको मिलता है। एग्जॉस्ट नोट किस तरह होता है चलिए सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस व्हीकल के सेफ्टी के बारे में। ग्लोबल एनकैप ने जो है 4 स्टार्स रेटिंग दे चुका है दोस्तों, आपको जो है 4 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लॉकिंग, सारे फीचर्स आपको अवेलेबल है एंड उसी के साथ इस व्हीकल का डायमेंशन जो है 13.1 फीट लेंथ है दोस्तों, 5.9 फीट विड्थ है, 5.3 फीट जो है इसका हाइट है दोस्तों। ये रहा कंप्लीटली व्हीकल के डायमेंशन एंड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। एकदम कमाल का व्हीकल है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया सा परफॉर्मेंस एंड लुकिंग वाइज में भी काफ़ी अग्रेसिव लुक यहाँ पर आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहा रेनॉल्ट काइगा का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। इसी तरह लेटेस्ट ऑटोमोबाइल रिव्यूज एंड अपडेट्स जानने के लिए नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों PR Tech चैनल को जो है। तो आपको ये व्हीकल लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, शोरूम एड्रेस, ये सारे डिटेल्स दे चुका हूँ, डायरेक्टली जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो एंड इस व्हीकल के ऊपर आपका क्या कॉमेंट्स है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा दोस्तों। तो ये रहा आज का वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट फ्राइडे एक और नए इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल रिव्यू के साथ। तब तक मैं हूं आपका PR Tech साइनिंग आउट। धन्यवाद।